हेलो दोस्तों, मेरे अपने चैनल शिवे शिवाय में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय त्रिलोकनाथ, जय उमापति, जय कैलाशपति। आप सभी को सावन के महीने की मुबारकबाद। और बहुत अच्छे से आप सब, मुझे लगता है, मना रहे होंगे सावन का महीना। और आज मैं आपसे एक सूर्यदेव, आपने सभी जानते हैं सूर्यदेव कौन है। सूर्यदेव को जल रोज़ चढ़ाना चाहिए हमें, नहा धो के सुबह, रोज़ सुबह जो है मॉर्निंग में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जल चढ़ाने से क्या फ़ायदे होते हैं आपको मालूम है। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके शरीर में, आपके घर में जो भी कोई नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी आँखों की अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। तो जिन्हें भी आँखों की प्रॉब्लम है, आँखों में कम दिखता है, कुछ भी है, तो वो सूर्य को डेली जल चढ़ाएं। वैसे तो सूर्य देव का जो दिन है वो रविवार माना जाता है, तो अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो रविवार ज़रूर कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सूर्य देव के बारे में जानकारी बताऊँगी आज, कि सूर्य देव कौन हैं, किन के पुत्र हैं, उनकी कितनी पत्नियाँ हैं, उनके कितने पुत्र हैं, ठीक है। अभी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा सूर्य देव जी क्या हैं, सात घोड़ों पे सवार हैं। तो सात घोड़ों का क्या रहस्य है ये आज जानते हैं। तो सूर्य देव जो है सात घोड़ों पर ही सवार होते हैं, और उस रथ को कौन चलाता है, कौन उसका सारथी है, पता है? उस रथ के जो सारथी हैं वो हैं अरुण देव। कौन है? अरुण देव। अभी जो सात घोड़े हैं, जो सात घोड़े ही क्यों हैं, सात घोड़े का एक रहस्य है। क्या रहस्य है इसे समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं, देखो सूर्य जो हैं उनके ग्यारह भाई हैं, ग्यारह भाई हैं, और उन सूर्य देव को हम आदित्य भी कहते हैं। और उन ग्यारह भाइयों का नाम बताती हूँ मैं पहले आपको। पहले हैं अंश, दूसरे हैं आर्यमान, तीसरे हैं भाग, चौथे हैं दक्ष, धात्री, मित्र, पोषण, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन। तो ये क्या हैं, ग्यारह भाई हैं सूर्य भगवान को मिला के। और ये सभी भाई किसके पुत्र हैं? कश्यप और अदिति। कश्यप, ऋषि कश्यप थे, और अदिति उनकी संतान हैं ये। तो ये जो भाई हैं ये जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं, अच्छा सॉरी, सूर्य भगवान के अलावा जो 11 भाई हैं उनको मिला के टोटल 12 भाई होते हैं, मतलब 12 लोग हो गए। तो 12 लोग किसके पुत्र हुए? कश्यप अदिति की संतान हुए। और ये साल के जो हमारे 12 महीने हैं उनको दर्शाते हैं। सूर्य देव की कितनी पत्नियां हैं? दो। उनका नाम है, पहली है संज्ञा, दूसरा है छाया। संज्ञा, जैसे इंग्लिश में आप नाउन कहते हो वैसे ही संज्ञा, दूसरी है छाया। भगवान शनि और जो यमराज हैं वो इनके दोनों पुत्र हैं, भगवान शनि और यमराज, ठीक है। उनको जो है मनुष्य जाति का न्यायाधिकारी माना जाता है। इसके अलावा जो है, जो इनकी संतानें हैं, यमुना, ताप्ती, अश्विनी तथा वैवस्वत, मनु, ये भी सूर्य भगवान की ही संतानें हैं। इनमें से जो मनु हैं, जो मनु उनकी संतान है, जो सूर्य भगवान की जो ये संतानों में से जो मनु हैं, वो जो हम मनुष्य जो हैं, हम में सबसे पहला मनुष्य वो वही थे, मनु। तो मानव जाति में सबसे पहला जो मनुष्य धरती पे आया था वो कौन था? मनु। तो मनु इनकी जो संतान, किसकी संतान हुई? सूर्य भगवान की। और धरती पे आने वाले वो पहले मनुष्य थे। अब जो हम कह रहे थे कि सूर्य भगवान के जो सात घोड़े हैं उनके क्या नाम हैं, उनको जानते हैं। पहले हैं गायत्री, भ्राती, उष्णिक, जगति, त्रिस्तप, अनुस्तप, पंक्ति। ये सात घोड़ों के नाम हैं। दोबारा बोलती हूँ, पहले हैं गायत्री, दूसरे भ्राती, तीसरे उष्णिक, चौथे जगति, पांचवें त्रिस्तप, छठे अनुस्तप, सातवें पंक्ति। तो ये सात घोड़ों के नाम हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, इन सात घोड़ों को, मतलब कौन इनको, इनका सारथी है? वरुण देव। वरुण देव इनके सारथी हैं।
अब ये 7 घोड़े किसको दर्शाते हैं? सप्ताह के जो हमारे 7 दिन होते हैं, वीक के 7 डेज, ये 7 घोड़े उनको दर्शाते हैं। इन्हें हम इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो आप कहते हो ना, इंद्रधनुष वो भी कहा जाता है। तो आज की जानकारी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। सूर्यदेव के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी दे दी है आपको कि भाई सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे सवार होते हैं। उन 7 घोड़ों के क्या नाम है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, उनके पुत्रों का क्या नाम है, ठीक है, और उनके कितने भाई हैं, 11 भाई हैं, उनको मिला के 12 हो गए। तो ये 12 भाई किसको दर्शाते हैं? साल के 12 दिनों, साल के 12 महीनों को। और जो ये 7 घोड़े हैं, ये 7 घोड़े किसको दर्शाते हैं? हफ्ते के 7 दिनों को, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जो पूछूंगी इसमें, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद मेरे 3-4 क्वेश्चन होंगे, उनके जवाब आपने देने हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि सूर्य भगवान के कितने भाई थे, ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि सूर्य भगवान के 7ों घोड़ों के क्या नाम थे, सूर्य भगवान के 7 घोड़ों के क्या नाम हैं, सॉरी। और तीसरा क्वेश्चन मेरा है, धरती पे आने वाला पहला जो मनुष्य था उसका क्या नाम था, और वो मनुष्य किसका पुत्र था। तो मेरे 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ओके। ध्यान रखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है रोज़ सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए रोज़। आप देखना आपके जीवन में कितने परिवर्तन हुए हैं, आपको खुद लगेगा कि कितने अच्छे अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। आप खुद कहेंगे हाँ सही कह रही थी मैं, ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छी लगे तो। बाय।